हेलो फ्रेंड्स, आई थिंक आप लोग सब लोग सेफ और सही होंगे। तो इस वीडियो में आज हम लोग बात करने जा रहे हैं जिसका तीन महीने से लोगों को बहुत ही इंतज़ार था। जो लोग बाहर फंसे हुए थे, जो लोग इंडिया में फंसे हुए हैं, जो कि इंडियन सिटीजन्स हैं, विदेशों में फंसे हुए और जो अभी भारत में बाहर की यात्रा नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए, क्योंकि गवर्नमेंट ने अभी तक जितने भी इवैक्यूएशन किए उसमें एयर इंडिया शामिल थी, बट अब वो डेल्टा, एतिहाद, कतार और थाई एयरवेज और बहुत सारे न्यूजीलैंड की एयरलाइंसों को वो ऐड कर दिया है, उन्होंने उनके लिए अप्रूवल दे दिया है। तो अगर आपको ये देखना है तो आप डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन के ट्विटर हैंडल पर भी जा सकते हैं, वहाँ पर ये अप्रूवल दे दिया गया है इन एयरलाइंसियों का। तो आइए डिस्कस करते हैं। और बहुत दिनों के बाद ये खुशी की लहर दौड़ चुकी है लोगों में, जो लोग रुके हुए हैं। तो चलिए देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है। तो इन एडिशन टू द वंदे भारत मिशन, DGCA ने 870 चार्टर्ड फ्लाइट्स ट्रांसपोर्टिंग अराउंड 2 लाख पैसेंजर्स। सो अराउंड 2 लाख लोगों को ये बेनिफिट मिलेगा। वो लोग अपने देश में या तो आ सकते हैं, एंड इट इज़ इनबाउंड एंड आउटबाउंड। तो जो कि इनबाउंड इनबाउंड का मतलब है, जो लोग इंडिया से आना चाहते हैं, इंडिया में आना चाहते हैं, और जो लोग इंडिया से बाहर जाना चाहते हैं, तो उन दोनों के लिए ये है। तो अगर हम देखें तो इसमें कतार की 81 फ्लाइट्स, KLM जो लोग अरब में फंसे हुए हैं, जो लोग अरब जाना चाहते हैं, KLM, डच, ब्रिटिश एयरवेज फ्लाइट दुबई एंड डेल्टा, इवन डेल्टा इज़ देयर, तो सऊदीया एंड एयर निपॉन। सो इतनी सारी फ्लाइट्स को मंजूरी दी गई है जो कि नॉन एयर इंडिया है। तो आखिर काफ़ी दिनों के बाद अब बाहर की एयरलाइंस को भी मौका दिया गया है अपने लोगों को वापस लाने का, अपने लोगों को बाहर भेजने का। सो ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी है आप सभी के लिए, जो हम लोग वेट कर रहे थे कि कब इंडिया से इंटरनेशनल फ्लाइट और नॉर्मल कॉमर्शियल फ्लाइट होती है उनकी अप्रूवल होगा। तो अभी एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। आई थिंक इससे एयर इंडिया को भी हेल्प मिलेगी बाहर के लोगों को इंडिया में लाने के लिए, क्योंकि काफ़ी लोग फंसे हुए थे। तो अगर देखिए तो एक फिर से ट्वीट आया है जो कि 15 जून का है। देखिए तो उसमें एयर न्यूजीलैंड, थाई, यूनाइटेड एयरलाइंस, इराकी एयरवेज, ओमान, सो बहुत सारी फ्लाइट्स को उन्होंने ऐड किया है। और आई थिंक जल्दी ही हम लोग को उनके शेड्यूल्स भी मिल जाएंगे और इनकी बुकिंग कब से स्टार्ट होगी। मैंने अभी चेक भी किया लेकिन अभी तो नहीं दिखा रहा है। तो आई थिंक ये कुछ ही दिनों में इनकी लिस्ट पब्लिश हो जाएगी। तो सब लोग अपनी तैयारियां करके रहें जिससे कि आप जब ये फ्लाइट्स अवेलेबल हों तो आप उसके लिए तैयार रहें। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल। ये इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुँचाएँ जिससे कि जो लोग परेशान बैठे हुए हैं वो उनके अंदर थोड़ी सी पॉजिटिविटी आए। और प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप बेल का आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आगे जैसे ही मुझे कोई नया अपडेट मिलता है, इंटरनेशनल फ़्लाइट और नहीं डोमेस्टिक फ़्लाइट और ट्रैवल से रिलेटेड कुछ भी, तो आपको ये अपडेट, मैं एक नया वीडियो बनाऊंगा और आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे और सारे रूल्स जो कि करंट हैं और प्रोसीजर है मैं आपको अपडेट करूंगा। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।